नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जब पूरी दुनिया से भीख के रास्ते बंद हो गए हो तो एक बार फिर से पाकिस्तान चीन की शरण में पहुंच गया है। यहां लॉकडाउन ने मदरसा पैदाइश का कचूमर निकाल दिया है और जनता त्राईमाम कर रही है। हालत यह है कि लाहौरी च्यवनप्राश खाकर इमरान खान अब चीन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आर्थिक तंगी और वायरस से जूझते पाकिस्तान ने चीन से 30 अरब डॉलर का कर्ज लौटाने की शर्तों में ढील देने की गुजारिश की है। चीन से पाकिस्तान ने यह कर्ज चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत विद्युत व्यवस्था के लिए लिया है। इस परियोजना के तहत पाकिस्तान में हो रहे कार्यों पर चीन 50 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। अब इसी कर्ज के एक हिस्से को लौटाने के सिलसिले में इमरान खान सरकार ने चीन से कर्ज लौटाने की शर्तों को आसान करने की गुहार लगाई है। पर खास बात यह है कि पाकिस्तान की इस नौटंकी से चीन का पारा गर्म हो गया है। चीन ने स्पष्ट कहा है कि वह स्वयं मंदी की चपेट में आ गया है, उसे अपना पैसा सही समय पर वापस चाहिएगा। इसका मतलब यह है कि चतुर चीन एक बार फिर पाकिस्तान की लाचारी का फायदा उठाकर उससे कोई बड़ा लाभ उठा सकता है। दरअसल पाकिस्तान द्वारा कई विद्युत उत्पादकों से बिजली खरीदी जाती है, उसके बकाया भुगतान और सीपैक की विद्युत परियोजना के कर्ज को मिलाकर पाकिस्तान पर विद्युत मामलों की करीब 11 अरब डॉलर की देनदारी बन रही है, जबकि पाकिस्तान के खजाने में 5 अरब 50 करोड़ डॉलर ही बचे हैं। इतनी बड़ी देनदारी से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान ने जब अपनी समस्या से चीन के राजनीतिक नेतृत्व को बताया तो उसने चीन के राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग से बात करने की सलाह दी। यह आयोग सरकार के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, मगर इसके अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और पाकिस्तान को किसी भी सूरत में पैसा लौटाने को कहा है। पर मामला यहां तक नहीं है। चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह फंस चुके पाकिस्तान के लिए अब बड़ी मुसीबत शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान को चालू वर्ष में चीन को कर्ज वापसी की किस्त के रूप में 3 करोड़ 50 लाख डॉलर की धनराशि देनी है, जिसे तंग हाल पाकिस्तान के लिए चुकाना लगभग मुश्किल है। इसके अतिरिक्त सीपैक के नाम पर अन्य मदों में उठाए गए कर्ज का सूद भी इसी साल के अंत से चुकाना शुरू होगा, जो प्रतिवर्ष 20 करोड़ डॉलर के करीब है। जबकि पाकिस्तान की हालात पूरी तरह खस्ता हाल है। कोरोना महामारी ने इसे और भी गर्त में धकेल दिया है। पाकिस्तान पर ज्ञात विदेशी कर्ज 113 अरब डॉलर के करीब है। इसके अतिरिक्त चीन और अन्य इस्लामिक मुल्कों का उस पर कितना ज्ञात कर्ज है वह पाकिस्तान का भी स्पष्ट नहीं करता है। जिस सीपैक के नाम पर उसने कर्ज लेकर पाकिस्तान की लुटिया डुबोई, वह अब तक 20% भी नहीं बन पाया है। पाकिस्तान को सीपैक के आसपास 7 इकोनॉमिक जोन बनाने थे, मगर 6 साल में एक भी ऐसी कोई इमारत तक खड़ी नहीं हो पाई, जबकि इस परियोजना के लिए उठाए गए कर्ज की सूद की देनदारियां भी शुरू हो गई है। वैसे इस बार चीन ने जिस तरह पाकिस्तान को आंखें दिखाई है वह बिल्कुल अप्रत्याशित है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की हाल ही में चीन की यात्रा का यही उद्देश्य था, मगर वहां से वह खाली हाथ ही लौटे हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं कि चीन धीरे धीरे गवादर बंदरगाह और उससे सटे 120 किलोमीटर एरिया को अपने अधिकार में लेने की योजना पर काम कर रहा है। फिलहाल गवादर पर चीन का पूरी तरह कब्जा हो चुका है। अब एक बड़े इलाके को लंबी अवधि के लिए लीज पर लेकर वहां बड़े गोदामों का निर्माण करना चाहता है। पाकिस्तान कंगाल है, उस पर चीन का ही सबसे ज्यादा कर्ज है। संभव है चीन के सामने घुटने टेकना पाकिस्तान की व्यवस्था बन जाएगी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार पाकिस्तान को चीन का पहले वाला साथ भी नहीं मिला है। कोरोना वायरस से जूझते पाकिस्तान को चीन की तरफ से खास सहयोग नहीं मिल पाया है। उसे 1200 पीपीई किट और 2 लाख कच्चे के बने मास्क जरूर मिले हैं, मगर अब खुलासा हुआ है कि चीन ने उनका बिल भी बनाकर पाकिस्तान को भेज दिया है। बड़ी बात यह है कि जो मास्क दुनिया के किसी देश ने नहीं लिए थे उन्हें पाकिस्तानी डॉक्टर लगाकर गधैया नृत्य कर रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।